चोको सिरप बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे टोप लिया है, उसमें एक वाटी चीनी डालती हूँ, आधा वाटी कोको पाउडर डालती हूँ, एक वाटी पानी डालती हूँ और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे मिक्स करने के बाद गैस पे चढ़ा दी हूँ। जब इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा तो उसके बाद इसे हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैंने वाटी में थोड़ा सा पानी ली हूँ, कॉर्नफ्लोर ली हूँ आधा चम्मच, इसे मिक्स करके हम इसके अंदर डाल देंगे चोको सिरप। और फिर उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच वेनिला एसेंस। इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद होममेड रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है, कम पैसों में ही बनके तैयार हो जाता है। देखिए कितना गाढ़ा बना है और ये ठंडा होगा तो इससे भी अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, इसका हम यूज़ केक पर भी यूज़ कर सकते हैं, केक बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड पर भी।